नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन, इंडिया वॉच में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है खास और खोजी खबरों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम डंके की चोट पर। समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव के नामांकन दाखिले में शपथ पत्र के जरिए जो संपत्ति के विवरण छुपाए गए उसे हमने उजागर किया। हमने आपसे कहा था कि अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। मुख्यमंत्री और मंत्री समेत विभिन्न पदों का इस्तेमाल कर मुलायम ने क्या क्या अनियमितताएं की उसे भी बताने का हमने वादा किया था, और आपसे कहा था कि हम वे घोटाले भी बताएंगे जो सीबीआई की छानबीन में सामने आए, और वह भी बताएंगे जो सीबीआई की दहलीज तक पहुंचने से रह गए। अभी 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने मुलायम अखिलेश की अकूत संपत्ति की जांच की स्टेटस रिपोर्ट के बारे में सीबीआई से फिर पूछा, और सीबीआई ने फिर से समय मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, लेकिन मीडिया का हाल देखिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुलायम को क्लीन चिट दिए जाने की मनगढ़ंत खबर प्रकाशित और प्रसारित कर दी। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखें तो आपको मीडिया की पतंगबाजी की असलियत पता चल जाएगी। मुलायम ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान अपनी जो संपत्ति हलफनामे में दिखाई थी, वर्ष 2019 का चुनाव आते आते उसमें 3,20,15,517 रुपए की कमी आ गई। सीबीआई के पास जो मुलायम की संपत्ति का ब्यौरा है, उन संपत्तियों का जिक्र मुलायम के हलफनामे में नहीं था। मुलायम ने नामांकन दाखिले में यह तथ्य छुपा लिए। विश्वनाथ चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से सीबीआई मुलायम की आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने मुलायम सिंह यादव और उनके दोनों बेटों अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के बारे में नोटिस जारी की थी। निर्धारित तारीख के मुताबिक 12 अप्रैल को सुनवाई भी हुई, लेकिन सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल करने के लिए फिर से समय मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ का यह आदेश देखिए। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में खुद मौजूद थे। उन्होंने रिपोर्ट फाइल करने के लिए सीबीआई को और समय देने का आग्रह किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 4 हफ्ते का समय और दिया है, यानी 1 महीने के अंदर सीबीआई को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। मुलायम जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान क्या क्या गुल खिले इसे भी तो हम समझते चले। इनमें सबसे नायाब है मुलायम अखिलेश के रिश्तेदारों और चहेते नौकरशाहों ने मिलकर गोमती नगर जैसे पौश इलाके में किस तरह बेशकीमती जमीनें लूटी और किस तरह षड्यंत्र करके उसका लैंड यूज बदलवाया। यह सीबीआई की जांच में तो सामने आया, लेकिन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ उस पर हाथ डालने से सीबीआई कतरा रही है। आइए उन घोटालों का भी जायजा लेते हैं। मुलायम के मुख्यमंत्रित्व काल में एलडीए के अफसरों ने शीर्ष सत्ता के दबाव में नियमों को ताक पर रखकर
28 लोगों को गोमती नगर में बेशकीमती प्लॉट कौड़ियों के भाव दे दिए। इससे एलडीए को उस समय ही करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन नुकसान की बात तो छोड़िए, यह घोटाला अपने आप में इतना रोचक रोमांचक है कि आप उस पर झांकेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा और तकलीफ भी होगी। मुलायम के रिश्तेदारों, उनके चहेते नेताओं और चाटुकार अफसरों ने गोमती नगर की जमीन बंदरों की तरह बांटी, खुद ही रिकमेंड किया और खुद के लिए ही जमीनें आवंटित कर ली। लखनऊ के तत्कालीन कमिश्नर विजय शंकर पांडे ने मामले की जांच कराई, घोटाले की आधिकारिक पुष्टि हो गई। 25 सितंबर 2007 को जांच रिपोर्ट शासन को बाकायदा सौंप दी गई, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं। शीर्ष सत्ता के दबाव में एलडीए के अधिकारियों ने अर्बन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के प्रावधानों को ताक पर रखकर जमीनों का उपयोग यानी लैंड यूज बदलकर मुलायम चौकड़ी को प्लॉट आवंटित कर दिए थे। यहां तक कि आवंटियों के आवेदन के बगैर ही प्लॉट आवंटित कर दिए गए। सत्ता की चाटुकारिता में एलडीए ने लखनऊ के सर्किट रेट से कम कीमत पर महज 3000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमीनें आवंटित कर दी। जालसाजी और धोखाधड़ी का चरम यह हुआ कि आवंटन गोमती नगर विस्तार यानी गोमती नगर एक्सटेंशन में दिखाया गया, लेकिन समायोजन गोमती नगर के मुख्य इलाके विपुल खंड में कर दिया गया। यहां तक कि लैंड यूज का टैक्स भी अदा नहीं किया गया। सीबीआई की जांच रिपोर्ट ही कहती है कि राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर में बेशकीमती जमीनों की बंदर बांट में मुलायम के रिश्तेदार और मुलायम के खास लोगों के नाम शामिल हैं। ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जिनके नाम पर मुलायम का भारी नकदी लेन देन का संबंध रहा है। आप सीबीआई की रिपोर्ट देखें। सीबीआई की जांच रिपोर्ट कहती है कि गोमती नगर की जो जमीनें औने पौने भाव में आवंटित कर दी गईं, उनमें 5 बेशकीमती आवासीय प्लॉट मुलायम के ही बेनामी प्लॉट हैं। इनमें एक प्लॉट अखिलेश यादव के ससुर आरसीएस रावत के नाम पर भी है। इटावा के भोजवानी परिवार के सदस्यों के नाम पर भी 4 प्लॉट हैं। ध्यान दें, यह वही भोजवानी परिवार है जिसके बारे में सीबीआई कह चुकी है कि मुलायम सिंह यादव के काफी लेन देन वाले संबंध रहे हैं। मुलायम की बेनामी संपत्तियां भोजवानी परिवार के नाम पर हैं। मुलायम के लिए गोमती नगर के इंस्टीट्यूशनल एरिया के लिए निर्धारित जमीन में से काटकर उसे रिहायशी प्लॉट में बदला गया, जबकि इंस्टीट्यूशनल एरिया का निर्धारण 2001 के ही मास्टर प्लान में हो चुका था। इंस्टीट्यूशनल एरिया को रेजिडेंशियल प्लॉट्स में तब्दील करने के प्रस्ताव पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने तत्काल मंजूरी दे दी। आवास मंत्री का महकमा भी उस समय मुलायम के पास ही था। मुलायम के रिश्तेदारों, नेताओं और खास चाटुकारों को प्लॉट्स देने के नाम पर एलडीए के अधिकारियों ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोया। मुलायम चौकड़ी ने किस तरह गोमती नगर की बेशकीमती जमीन की लूटपाट मचाई, उसका यह ग्राफ देखते चले और नेताओं के चरित्र का आकलन करते चले। किनके किनके नाम पर घोटाला हुआ? स्वर्णदास पागला आईएएस, इन्होंने अपनी सिफारिश खुद कर ली। श्रीमती सरला, सिफारिश आवास सचिव जेएस मिश्र यानी सपा नेता अभिषेक मिश्र के पिता। शिव कुमार, सिफारिश अनिल कुमार आईएएस प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री। कमल भोजवानी, सिफारिश सचिव मुख्यमंत्री। पेसुराम, सिफारिश सचिव मुख्यमंत्री। जितेंद्र, सिफारिश सचिव मुख्यमंत्री। अनीता सिंह और सुभाष चंद्र, सिफारिश सचिव मुख्यमंत्री। सावित्री सिंह, सिफारिश बीबी सिंह उपाध्यक्ष एलडीए। मनीष चंद्रा, सिफारिश रेखा गुप्ता सचिव एलडीए। अमित एवं अरुणा मित्तल, सिफारिश आरके मित्तल कमिश्नर लखनऊ। बालक राम, सिफारिश आमोद कुमार डीएम फैजाबाद। शिवानी एवं पंकज, सिफारिश आर्यन तिवारी डीएम लखनऊ। शिव सिंह यादव सचिव मुख्यमंत्री। प्रीति चौधरी पत्नी अनुराग यादव,
डीएम जौनपुर, कैलाशी देवी सिफारिश रामवृक्ष प्रसाद विशेष सचिव आवास, सरोज चौधरी सिफारिश अंबिका चौधरी मंत्री, एस रस्तोगी सिफारिश बीबी सिंह उपाध्यक्ष एलडीए, सीपी शर्मा चीफ टाउन प्लानर एलडीए, दुलारी देवी माता ओपी सिंह निबंधक मुख्यमंत्री सचिवालय, ओंकार सिंह डीआईजी फैजाबाद, नवनीत सिकेरा एसएसपी लखनऊ, शब्बीर खान चीफ टाउन एवं कंट्री प्लानर, डॉक्टर ऋचा मिश्रा सिफारिश राघवेंद्र मिश्र प्रोग्रामर एनालिस्ट एलडीए, जोगेंद्र सहाय सिफारिश बीबी सिंह उपाध्यक्ष एलडीए, राजेश सिफारिश सचिव मुख्यमंत्री, आरसीएस रावत अखिलेश यादव के ससुर, ब्रजेश कुमार सिंह सिफारिश जेबी सिंह संयुक्त सचिव एलडीए, आलिया खातून सिफारिश तत्कालीन सपा नेता अमर सिंह। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक से लौटकर आपको बताएंगे उस घोटाले के बारे में जिसके बारे में सीबीआई जानती तो है लेकिन हाथ नहीं डालती। जनता की चोट